एग्जाम में जब आपसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करवाया जाता है और डेट की कैलकुलेशन करवाई जाती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा टाइप ऑफ डेट अवेलेबल है। क्या आपके पास बैंक लोन है, इररिडीमेबल है, रिडीमेबल है, या कन्वर्टेबल डेट मौजूद है। तो एज फार एज रिडीमेबल डेट इज कंसर्न, इसका कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हमने IRR अप्रोच इस्तेमाल की थी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच इस्तेमाल की थी। और बैंक लोन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सिंपल सा, और इररिडीमेबल के लिए हमने एक फॉर्मूला अप्रोच इस्तेमाल की, राइट। अच्छा जी, अगर एक कंपनी डेट इशू करती है और कंपनी एक ऐसा डेट इशू करती है जिसमें इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि हम आपको हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे, और आपके पास ये चॉइस होगी कि मैच्योरिटी के ऊपर या तो आप उस डेट को रिडीम करवा लेना या कन्वर्ट करवा लेना इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर ये ऑप्शन दिया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द डेट, किसको? इन्वेस्टर को, कि वो रिडीम भी करवा सकता है और कन्वर्ट भी करवा सकता है इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टर ये देखेगा कि उसको अगर रिडीम करवाने में क्या मिलता है और अगर वो शेयर्स कन्वर्ट करवाता है तो उसको क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टर रिडीम करवाता है तो उसको एक डेट के ऊपर $100 रिटर्न होते हैं, और अगर वो कन्वर्ट करवाता है तो उसको 20 शेयर्स मिलेंगे। एक शेयर की मार्केट प्राइस चल रही है 6, तो उसके पास $120 आएंगे। तो हम एज एन इन्वेस्टर क्या चीज ऑप्ट करेंगे? ग्रेटर ऑफ, तो हम डिसाइड करेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर कन्वर्जन इज अ बेटर ऑप्शन। इस तरह ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो कन्वर्जन वैल्यू है शेयर्स की वो $100 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिचुएशन ये बनती है कि वो रिडीम करवाएगा तो उसको $100 का कैश मिलता है, और अगर वो कन्वर्ट करवाएगा तो उसे 20 शेयर्स मिलेंगे, और शेयर प्राइस इस वक्त चल रही है 4.50। सो वैल्यू कितनी बनती है? 20 शेयर्स की वैल्यू बनती है 4.5 के हिसाब से 90। सो अब यहाँ पर ग्रेटर ऑफ में इन्वेस्टर क्या चूज करेगा? कि मुझे कैश दे दिया जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शेयर्स। सो ये इन्वेस्टर का डिसीजन है कि उसे कैश लेना है या उसे शेयर्स लेने हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि कन्वर्टेबल डेट में इन्वेस्टर को ये ऑप्शन दिया जाता है कि चॉइस होती है, तो इसलिए कन्वर्टेबल डेट का इंटरेस्ट रेट यूजुअली नॉर्मल या सिंपल डेट से कम होता है। इंटरेस्ट रेट इज लो एज कंपेयर टू सिंपल डेट। सो हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्टेबल डेट इज मच चीपर देन सिंपल डेट। यार वो वाजिब यार, हेलो, इनको बोलना यार वो। हेलो आप मेरे साथ लाइव हो भाई, मुझसे बात कर लो। हेलो, हेलो, अगर एक कंपनी ने कन्वर्टेबल डेट इशू किया तो उसकी जो कॉस्ट होगी कंपनी के लिए वो कैसे कैलकुलेट की जाए? क्योंकि तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो रिडीम करेगा या कन्वर्ट करवाएगा ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। अच्छा, ये ऑप्शन इन्वेस्टर के पास होता है, राइट। कंपनी ये ऑप्शन अपने हाथ में नहीं रख रही, इन्वेस्टर को दे रही है। सो ये इन्वेस्टर की अपनी डिस्क्रिशन पे है कि वो क्या करना चाहता है, सही है। तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है ये फाइंड आउट करना कि इसकी लाइफ के ऊपर इसका पर एनम रिटर्न कितना होगा। रिडीमेबल डेट अगर सिंपल था तो हमने IRR अप्रोच के जरिए निकाल लिया था। तुम लोगों को IRR अप्रोच क्लियर हुई, किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दोनों को जीरो पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डेट में जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालने जाएंगे या इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने जाएंगे तो अप्रोच वही रखेंगे। कौन सी अप्रोच रखेंगे? द
द सेम अप्रोच, इंटरनल रिटर्न अप्रोच, अप्रोच वही रखेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे, सही है। तो अगर जब हम IRR अप्रोच से सॉल्व करने जाएंगे, तो IRR अप्रोच में हम क्या करते हैं, IRR अप्रोच के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कैश फ्लोस। जो मैंने चार्ट बनाया था उस चार्ट के हिसाब से जब हम कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम कहते हैं ईयर जीरो में हम क्या रखते हैं, मार्केट प्राइस, ये तो हमें मिल जाएगी। फिर उसकी लाइफ के ऊपर हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये भी हमें मिल जाएगा। लेकिन जब पांचवा साल आएगा, तो अब पांचवें साल में मैं क्या रखूं, रिडम्पशन रखूं, कन्वर्जन रखूं, व्हाट, क्या रखूं, ये मेरा सवाल है तुम लोगों से, क्या रखना चाहिए, कन्वर्जन रखूं, रिडम्पशन रखूं, क्या करेगा इन्वेस्टर? सर रिडम्पशन रखें। अच्छा क्यों, आपको कैसे पता लगा इन्वेस्टर रिडीम करवाएगा? सर अगर वो कन्वर्ट हो जाएगा तो अगर ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। नहीं नहीं, हम तो अभी अभी हम तो आज कैलकुलेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग को ही कर रहे हैं इसकी, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट। हाँ, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया हायर ऑफ वन, वेरी गुड, हायर ऑफ वन, ये हायर ऑफ कहाँ से आएगा, आज कैसे पता लगेगा हायर ऑफ क्या है? हायर ऑफ रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू तो हमें पता होगी, कन्वर्जन वैल्यू, इन दोनों में से जो हायर ऑफ होगा वो लेंगे, सही है। अब हायर ऑफ मुझे कैसे पता लगेगा, रिडम्पशन तो मुझे पता होगी, कन्वर्जन वैल्यू मैं आज एस्टिमेट करूंगा कि पांचवें साल के एंड पे क्या होगी, क्वेश्चन में मुझे एस्टिमेट करनी पड़ेगी कि पांचवें साल के एंड पर कन्वर्जन वैल्यू क्या बनती है। अगर कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा हुई तो मैं कन्वर्जन वैल्यू रखूंगा, और अगर रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा हुई तो मैं रिडम्पशन वैल्यू रखूंगा। इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, आइदर हम रिडम्पशन वैल्यू लेंगे या कन्वर्जन वैल्यू लेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे आज, और फिर IRR अपना नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखें। रिडीमेबल, सिंपल रिडीमेबल में और कन्वर्टेबल में मेन फर्क क्या है, आखिरी साल यानी कि रिडम्पशन की डेट के ऊपर यू हैव टू डिसाइड कि रिडम्पशन होगी या कन्वर्जन होगी, और जो भी आपको लगता है हायर ऑफ है उसको आप लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, सही है? अच्छा, अब ये इतना आसान काम नहीं है कि आप पांच साल के बाद ये प्रिडिक्ट कर सकें कि कन्वर्जन वैल्यू क्या होगी। तो कन्वर्जन वैल्यू निकालते कैसे, लेट मी जस्ट गिव यू अ फॉर्मूला। कन्वर्जन वैल्यू निकालते वक्त हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, ये तो हमें पहले से पता होंगे, ये तो एग्रीमेंट के अंदर पहले से लिखा हुआ होगा कि आपको 10 शेयर्स मिलेंगे, 20 शेयर्स मिलेंगे, 25 शेयर्स मिलेंगे, ये पहले से हमें पता होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन उसकी शेयर प्राइस क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। आज हमें ये एंटिसिपेट करना है, एस्टिमेट करना है कि पांच साल के बाद शेयर प्राइस क्या होगी, ये हम फाइंड आउट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, ये एक्चुअल नहीं बता सकता मैं आज के क्या होगी। और फिर नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, कन्वर्जन वैल्यू। रिडम्पशन आज डिसाइड कर लिया जाएगा कितना होता है, कन्वर्जन वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर्स मुझे पता होंगे, मुझे कन्वर्जन पे कितने मिलेंगे, लेकिन कन्वर्जन जब मैं करूंगा तो उस वक्त शेयर प्राइस क्या होगी ये मुझे नहीं पता। तो हम सवाल सॉल्व करते वक्त शेयर प्राइस को एस्टिमेट करेंगे और उसके बाद कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि 20 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे, 20 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे इन 5 इयर्स टाइम, और आज शेयर प्राइस चल रही है नाउ $5। पांच साल के बाद शेयर प्राइस क्या होगी, तो आपको सवाल में शेयर प्राइस के अंदर ग्रोथ प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल शेयर प्राइस की ग्रोथ है 6%, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी ना, फाइंड आउट नहीं करनी होगी ग्रोथ। तो आप कहेंगे ठीक है पांच साल के बाद क्या होगा मैं पता लगा लेता हूं, आज प्राइस क्या है 5, 1+G^5, 5 साल के बाद प्राइस क्या होगी $5, 1+0.06^5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा, है किसी के पास कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लेके बैठा करो यार।
अगर किसी के पास है तो सॉल्व कर ले. आई गेस इट्स 6.69. चले एज्यूम कर लेते हैं. आई थिंक ये सही है, 6.69. इस तरीके से हम शेयर प्राइस को एस्टीमेट करके निकालेंगे. सही है, सेट है. एस्टीमेट करके निकालेंगे तो हमारे पास शेयर प्राइस आ गई. कितने शेयर्स देगी कंपनी? कंपनी मुझे दे रही है 20 ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 6.69. सो ये बनेगा 133.8 रफली. आप कह सकते हैं 134 देगी कंपनी मुझे. तो इस तरह से एग्जाम में आपको कन्वर्जन वैल्यू निकालने को दी जाएगी. और हो सकता है कि यही कन्वर्जन वैल्यू निकालने के लिए आपको सेक्शन ए में एमसीक्यूज दे दिया जाए, फाइंड आउट कन्वर्जन वैल्यू. और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हो सकता है पूरी एग्जाम्पल सॉल्व करनी पड़े. ठीक है, तो अब हम चलते हैं हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फिर मैं आपको एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कभी भी अगर कन्वर्टेबल डेट आया तो हम उस कन्वर्टेबल डेट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे. सही. सो अ कंपनी इशूड अ कन्वर्टेबल लोन नोट. जी भाई सर, एक मिनट के लिए स्क्रीन पीछे करेंगे. थैंक यू. क्या करोगे, नोट करोगे? हाँ सर, कैलकुलेशन कर रहा था ना. अच्छा, उसे मैं आंसर देख रहा था कि सही है नहीं, बस यही चेक करना. ओके 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 ओके, थैंक यू. अच्छा, कंपनी ने कन्वर्टेबल डेट इशू किया. सही है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेते हैं. उसका इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट कंपनी ने डिसाइड किया कि 8% पर एनम होगा. सही है, वो रिडीम हो जाएगा इन 5 years टाइम. 5 साल के अंदर रिडीम हो जाएगा. किसके ऊपर रिडीम होगा? 5% प्रीमियम के ऊपर रिडीम होगा, यानी कि पार वैल्यू के ऊपर अबव 5% हम उसको देंगे. ठीक है, आज उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इज $85. पार वैल्यू 100 होती, राइट? और नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन, अगर वो कन्वर्जन करवाता है तो नंबर ऑफ शेयर्स उसे मिलेंगे 20. ठीक है, कंपनी पे 30% टैक्स पर एनम, टैक्स रेट है 30%. ठीक है, आज करंट शेयर प्राइस चल रही है. देखो स्टॉक मार्केट के अंदर आज देखा स्टॉक मार्केट के साथ क्या हुआ है, पिछले दिन क्या हुआ था. आजकल स्टॉक मार्केट हजार हजार पॉइंट से गिर रही है. क्यों, कोई बताएगा? सर अनसर्टेनिटी फैली हुई, इसलिए. किस चीज की अनसर्टेनिटी? ये जैसे वायरस का इफेक्ट है, और अगर कर रहा है जैसे गिरते जा रहे करके फिर होल्ड रखे, यही है. क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक फिनोमेना होता है कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो शेयर्स खरीदने चाहिए, और जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो शेयर्स बेचने चाहिए. तो इस वक्त मार्केट जितना गिरती जाएगी, इन्वेस्टर के पास मौका है कि वो लो प्राइस के ऊपर खरीदता जाए. एक टाइम आएगा जब ये कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा, जब इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा, आप उसको बेच दें और कैपिटल गेन हासिल करें. लेकिन वो टाइम वैल्यू मनी, लेकिन टाइम वैल्यू मनी के बेस में एक कांसेप्ट तो आएगा ना कि मैंने इस वक्त लगाया था और अगर मुझे फ्यूचर में मिल रहा है तो क्या इसको कंपनसेट कर रहा है इतना? ऑब्वियसली आपका इधर कैपिटल स्ट्रक है ना एक लिमिटेड टाइम के लिए. बिल्कुल ओके, ठीक है. ये अच्छा, पीए लिखा जो आफ्टर टैक्स लिखा सर, पीए टैक्स के बाद पीए पर एनम, टैक्स रेट पर एनम 30%.
अब हम इसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकालने जा रहे हैं, मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। एक कंपनी ने कन्वर्टेबल डेट इशू किया, उसका कूपन रेट है 8% पर एनम, रिडम्पशन इन 5 years टाइम 5% पर एनम, मार्केट वैल्यू इज 85, नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे वो कन्वर्जन के ऊपर 20 शेयर्स मिलेंगे, कंपनी 30% टैक्स पे कर रही है, करंट शेयर प्राइस $4 है और ग्रोथ इन शेयर प्राइस 7% पर एनम है, 7% पर एनम, ये हमने एंटिसिपेट किया है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना वही IRR अप्रोच से इसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तो हम वही टेबल बनाते हैं अपना। लेकिन टेबल बनाने से पहले मैं काम कर लेता हूँ, रिडम्पशन और कन्वर्जन को कंपेयर कर लेता हूँ। रिडम्पशन पे क्या मिलेगा? रिडम्पशन पे वो कह रहे हैं कि आपको 5% ज्यादा मिलेगा। तो अगर 100 पार वैल्यू है तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 105, या तो मैं ये ले लूं और या तो मैं कन्वर्ट करवा लूं। अगर कन्वर्जन करवाऊंगा तो मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर क्या वर्थ मिलेगी। उसका फॉर्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस। शेयर प्राइस मुझे दी हुई है $4, लेकिन वो तो आज की है ना, $4 पांच साल के बाद क्या होगी। तो मैंने शेयर प्राइस निकालनी है आफ्टर 5 years, उसके लिए मुझे ग्रोथ चाहिए। आज शेयर प्राइस चल रही है 4, 1+0.07 की ग्रोथ, 5 साल के बाद ये शेयर प्राइस कहां पहुंच जाएगी? और वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स 20 × 5.61, तो हमारी जो कन्वर्जन वैल्यू है वो पहुंच जाएगी 112.20। ठीक है, ग्रेटर ऑफ रिडम्पशन वैल्यू 105, कन्वर्जन वैल्यू 112, ग्रेटर ऑफ क्या चूज करूं, क्या डिसाइड करूं? हमने डिसाइड किया कि ये जो इन्वेस्टर है लाइकलीहुड ये है कि ये कन्वर्ट करवाएगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। तो अब हमारा जो कैश फ्लो बनेगा वो बनेगा इंटरेस्ट, और रिडम्पशन की डेट के ऊपर वो हमसे शेयर्स लेगा जिसकी एक्सपेक्टेड वर्थ बनती है 112.20। अब ये एज्यूम करके हम इसका IRR अप्रोच से आंसर कैलकुलेट करें। हियर कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, पीवी, अगेन डिस्काउंट फैक्टर एंड अगेन पीवी। ये टेबल बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पेपर। आज ठीक है, 1 से 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और 5वें साल या तो रिडीम होगा या कन्वर्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आज इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है कन्वर्टेबल डेट की? आज इसकी मार्केट प्राइस चल रही है $85 कन्वर्टेबल डेट, एम आई राइट? 85। सही है, आज इसकी मार्केट प्राइस चल रही है $85, तो मैंने $85 में इसे खरीदा। इंटरेस्ट रेट पर एनम मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट रेट पर एनम मुझे मिल रहा है 8%। ठीक है, 8% का मतलब है कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे? इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे मिलता है, राइट? कितना मिलेगा? ₹8 मिल रहे हैं सर। अच्छा, मैं इसे आफ्टर टैक्स कर लेता हूँ अभी इसी वक्त, ताकि क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स होता है। टैक्स रेट दिया हुआ होगा तो आफ्टर टैक्स कर लेंगे। टैक्स रेट है 30%। सही। अगर बाद में भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन बेटर इसके आप इसको अभी आफ्टर टैक्स कर ले। ये इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स हो गया पर एनम, इसको उठा के मैंने पर एनम इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डाल दिया 5.6। 5वें साल में मैं कन्वर्जन वैल्यू डाल रहा हूं 112.2, ये कन्वर्जन वैल्यू डाल दी। वाई कन्वर्जन वैल्यू? बिकॉज इट इज ग्रेटर देन द रिडम्पशन वैल्यू। अकलमंद इन्वेस्टर होगा तो कन्वर्ट करवाएगा। सही है, अब क्या करूं? एक रेट चूज करता हूं अपनी तरफ से, लेट मी जस्ट चूज 10%। 10% के ऊपर मैंने एन्यूटी टेबल में जाके देखा 5 साल का फैक्टर क्या चल रहा है,
वहां पर मुझे नजर आया 3.791 और उसका पीवी फैक्टर मुझे नजर आया 0.621। अब कैश फ्लो उसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास 85 आएगा, और 5.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.791 से तो 21.2 आएगा, और कन्वर्जन वैल्यू को अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा रफली 69.68। इसको नेट ऑफ करता हूं, 69.68 प्लस 21 रफली 90 समथिंग। सो इसको नेट ऑफ करता हूं तो इसकी पीवी बनती है 5.91, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। व्हाट टू डू नाउ सर? एक क्वेश्चन है इसमें सर, ये जैसे कि आप कह रहे हैं ना, आप ये जो परसेंटेज लेते हैं कि डिस्काउंट फैक्टर इतना है, तो ये आईआर में हम कैसे अज्यूम करेंगे क्लोजनेस लेके एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है? कई बार ऐसा भी होता है कि पॉजिटिव आ रहा होता है पहले एंड में होता आ रहा होता है, नेगेटिव नहीं आता। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो एग्जाम में आपको हमेशा टेबल इस्तेमाल करना है, वो टेबल आपको दिया जाता है 1% से लेकर 20% के दरमियान, सही? ठीक है। आप पहला फैक्टर कैसे करें? आप पहला फैक्टर जो भी चूज करें आपकी मर्जी है, आप बीच वाला ले लें, सेंट्रल वैल्यू 10% ले लें, सही है? ठीक है। या कूपन रेट के साथ वाला ले लें, अगर कूपन रेट 8% है तो कूपन रेट ले लें, क्योंकि आईआरआर कूपन के आसपास ही होता है। एग्जामिनर आपको ऐसा रेट नहीं देगा कि 25% वाला रेट दे दे, 22% वाला रेट दे दे, सही है? सही। लेकिन ऐसे ही जस्ट टू से दैट कि हो सकता है तुक्के में कभी ऐसा हो कि आपने 10% पे लिया, उसके बाद आपने 20% पे लिया, वैल्यू नेगेटिव ही नहीं हो रही, तो आप दो पॉजिटिव पे कैलकुलेट करके छोड़ दें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि आपको एग्जाम में इतना मार्जिन कोई एडवेंचर करने का चाहिए। और ये बात ध्यान में रखें कि ये जो रेट चूज करते हैं ये अप्रोक्सीमेशन होती है, तो इसकी बेसिस के ऊपर अगर एक बंदा 8% से स्टार्ट करता है, तुमने 12% ले लिया, तो आंसर एक्यूरेट नहीं आता। एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है कि थोड़ी बहुत आंसर में डिफरेंसेस इज अलाउबल, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सही है? अच्छा जी, अब एक रूल पता है हमें कि अगर 10% पे पॉजिटिव आया तो मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? बढ़ाएंगे। बढ़ाऊंगा, पक्की बात है? क्यों बढ़ाऊंगा? क्योंकि आपको माइनस में लाना है। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जब डिस्काउंट रेट बढ़ता है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए बढ़ाऊंगा, सही है? सो मैं कहता हूं कि यार लेट सपोज 12% रख लेते हैं। 12% पे मैंने एन्यूटी फैक्टर चेक किया 5 साल पे, तो एन्यूटी फैक्टर बनता है 3.605, और पीवी फैक्टर चेक किया तो बनता है 0.567। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, तो हमारे पास 85, 5.6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.605 से, तो ये बनता है 20.18, और 112 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.621। अच्छा, एक मुझे ना एडमिन ने कहा कि यार कुछ स्टूडेंट है वो कह रहे हैं जी हम तो फिजिकल क्लासेस लेंगे। मैंने कहा भाई ले लें, अगर कोरोना वायरस खत्म हो जाता तो हम भी फिजिकल क्लासेस दे देते। तो स्टूडेंट बेचारे ये नहीं समझ पा रहे कि ये मसला जो ना 4 दिन के अंदर हल हो जाएगा, स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे ये मसला जो ना वो लंबा जाएगा, इतनी जल्दी खत्म होने वाला है नहीं ग्लोबली, सही है? अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, ये बताएं अभी आप लोग की तरफ कोई एसीसी की तरफ से मैसेज आया है कि आइदर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन जून या कैंसिल होंगे? मैं आपको बताऊं पति की बात, सेंसिबल बात बताऊं, इंसान की समझ भी कुछ कहती है, मोस्ट मोस्ट लाइकली है कि एसीसी एग्जाम कैंसिल करेगा, मोस्ट लाइकली। सर अभी तो कोई मैसेज नहीं आया, जैसे ICW ने कैंसिल कर दिया, आईकैप ने कर दिया, आईकैप ने तो ऑनलाइन सेशन भी कैंसिल कर दिया ना अपने, और सीएफए वालों ने भी कैंसिल किया हुआ है। जी बिल्कुल, वो अभी आया रिसेंटली। और आज आपको पता, आज आपने रिसेंट न्यूज सुनी है, बर्तानिया का जो प्रिंस है ना, प्रिंस चार्ल्स, उसका कोरोना वायरस टेस्ट भी पॉजिटिव आया। नहीं ये मैंने नहीं सुना। तो भाई यूके के अंदर भी ये बढ़ रहा है, तो अभी ACCA फोर साइटेड है, थोड़ा सा नहीं अनाउंस कर रहा, लेकिन ACCA सून अनाउंस करेगा, मेरी प्रेडिक्शन है, लेट्स सी कितनी सही साबित होती है। बहुत बड़ी बॉडीज ने किया इसलिए,
ऑब्वियस सी बात है यार, जब CFA कर रहा है, ICW कर रहा है, तो आप इस पैनिक सिचुएशन में एग्जामिनर टीम को कैसे मोबिलाइज करेंगे, पेपर कैसे बनेगा, कंडक्ट कैसे होगा, मसाइल कैसे, स्टूडेंट एतराज कर देंगे जी हम तो पहुंच नहीं पा रहे CB के लिए, क्या करें, घर पे बैठ के देंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो सही है सर, सही बात। तो आप लोग अपना माइंड प्रिपेयर जून के लिए रखें, लेकिन तैयारी करते रहे, तैयारी करते रहे, बल्कि आप लोगों को तो एडवांटेज है यार। मैं आपको एक टिप दूं, आप लोगों को जब ऐसा लगे ना कि ये सितंबर की तरफ जा रहा है, तो एक पेपर की तैयारी के बजाय दूसरा पेपर भी उठा लेना, ठीक है? सही है, ओके। चले जी, तो हमारे पास एक पीवी आ गई 5.91 और एक पीवी आ गई -1.21। अब हम इसे इंटरपोलेट करके IRR निकालेंगे, तो 10 से 12 के दरमियान IRR आ जाएगा, ठीक है? आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं IRR, मैं CFA को भी पढ़ाता हूं, तो उसके अंदर फाइनेंशियल कैलकुलेटर होता है जिसमें IRR का बटन होता है। तो वो तो अभी ACC वाले अलाउड भी नहीं करेंगे, बटन दबाएं, बटन दब, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली ये इतनी मेहनत का काम नहीं है, प्रैक्टिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप सर हमारे पास PC में एक्सेल को एक्सेल की शीट होगी उस पे तो हो जाएगा ना आराम से, इतना लेकिन आप नहीं, आपको आपको ये सारी वर्किंग करनी है, एक्सेल की शीट पर आपसे फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको वर्किंग एज इट इज करके दिखानी है, आपको डिस्काउंट रेट भी खुद इंसर्ट करने हैं एक्सेल के अंदर, वो तो हम एक्सेल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है भाई, 5.91 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय 12% माइनस 10%, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वहां 2% बचेगा, अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो समवॉट आंसर क्या बनेगा, 5.91 प्लस 1.21 7.12 मल्टीप्लाई बाय 0.02 प्लस 0.10 11.6। अब एग्जाम में किसी का आंसर आएगा 11.4, किसी का आएगा 11.7, किसी का आएगा 12%, सब एक्सेप्टेबल आंसर है। असल जो एग्जामिनर मांगते हैं कंसेप्ट मांगते हैं, क्या कोई कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप इतनी डॉट एक्यूरेट कैलकुलेशन एग्जाम में 3 घंटे में नहीं कर सकते, ये एग्जाम आपको पीनलाइज नहीं करेगा कि आपने इतनी डेसिमल वाइज करेक्शन क्यों नहीं की, ठीक है? तो फिर रिडीमेबल डेट में और कन्वर्टेबल डेट की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस हुआ? सर रिडेम्पशन का वही देखते हैं कि रिडेम्पशन बेहतर है या कन्वर्जन बेहतर है, बिल्कुल बस एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर वो क्लियर कर लिया जाए कन्वर्जन